हाय एवरीवन, फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सबका स्वागत है। सो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, अगर आप एक पीएफ मेंबर दोस्तों कंपनी में काम करते हुए अपने पीएफ अकाउंट में दोस्तों कुछ पैसा को विड्रॉ करना चाहते हैं एडवांस के तौर पर, तो मैं दोस्तों इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं, क्या अपने पीएफ अकाउंट पर दोस्तों एडवांस के तौर पर जो पैसा निकलता है वो दोस्तों कितना परसेंट आप निकाल सकते हैं ईपीएफओ का, इसमें क्या नियम है और क्या शर्तें हैं, कंपनी में काम करते हुए दोस्तों आप कौन सा फॉर्म भर सकते हैं, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आप कंपनी में काम करते हैं तो क्या मैं पेंशन का पैसा निकाल पाऊंगा या नहीं निकाल पाऊंगा, अगर पीएफ का निकाल पाऊंगा तो कितना परसेंट मिलेगा ईपीएफओ के द्वारा, इसमें क्या नियम और शर्तें हैं, मैं इसमें इस वीडियो आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं, ठीक है। अगर आप ये सब जानकारी जानना चाहते हैं, इच्छुक हैं, तो इस वीडियो को आप कंप्लीट वॉच कीजिएगा, मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आप सबसे एक निवेदन है, अभी दोस्तों आपने हमें वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, आपका एक लाइक दोस्तों हमें काफी ज्यादा वीडियो बनाने में मोटिवेट करता है। चैनल पर नहीं होंगे तो आपको रेड कलर सब्सक्राइब का बटन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है, बेल घंटी भी आपको प्रेस कर देना है ताकि आने वाला हर नेक्स्ट वीडियो दोस्तों आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहां पे स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहां पे मैं अपने पीएफ पासबुक ओपन कर लिया और यहां पर दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, यहां पे दो अमाउंट होते हैं। सबसे पहले जो अमाउंट होता है दोस्तों, आप कंपनी में काम करते हैं वहां दोस्तों आपका पीएफ बैलेंस जमा होता है, दूसरा होता है पेंशन का, ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। दोस्तों अगर आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, एक मंथ से प्लस हो गया है, क्यों बोल रहा हूं एक मंथ से प्लस, क्योंकि दोस्तों आप कंपनी में काम करते हैं पहला दिन से ही आपका अकाउंट ओपन हो जाता है, आपके पीएफ अकाउंट में पैसा जमा होना चालू हो जाता है। लेकिन दोस्तों पैसा पीएफ अकाउंट में जमा होता है आपका मंथ का लास्ट डेट में होता है, ठीक है, मंथ का लास्ट डेट में जमा होता है, इसलिए तो कम से कम आपका एक मंथ होना जरूरी है, तभी आपके पीएफ अकाउंट में कुछ पैसा जमा हो जाता है, ठीक है। आप दो महीना तीन महीना से प्लस काम किया उसी के हिसाब से यहाँ पे पीएफ में आपका बैलेंस जमा होता रहता है। दो बैलेंस जमा होता है, एक पीएफ का बैलेंस होता है जमा और दूसरा पेंशन का बैलेंस जमा होता है, ठीक है। अब दो बैलेंस जमा होता है तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, अगर आप कंपनी में काम कर रहे हैं, अभी लगातार काम कर रहे हैं, चाहे आप दो साल कर रहे हैं, तीन साल करते हैं आप कुछ दिन और काम करना चाहते हैं, तो काम करते हुए दोस्तों सिंपल से आप एक ही अमाउंट को आपने विड्रॉ कर पाएंगे, वो होता है पीएफ का अमाउंट, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर जो भी पीएफ का अमाउंट होता है, यहाँ पे टोटल अमाउंट आपके पास नजर आता होगा, इसी अमाउंट को आप विड्रॉ कर पाएंगे, वो भी दोस्तों फुल एंड फाइनल विड्रॉ नहीं कर पाएंगे, कुछ ही पैसा आप विड्रॉ कर पाएंगे, इमरजेंसी में आपको कुछ पैसा काम आ गया तो आपका पीएफ में जो बैलेंस पड़ा होता है पीएफ का, उसे ही विड्रॉ कर पाएंगे, ठीक है। अब रहा दोस्तों सवाल ये पेंशन का, तो पेंशन का विड्रॉ नहीं कर पाएंगे, अगर आप काम कर रहे हैं अभी फिलहाल आप काम लगातार कर रहे हैं तो आप काम करते हुए पेंशन का पैसा विड्रॉ नहीं कर पाएंगे, जिसे आप भूल जाइए। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूं जो पीएफ में आपका पीएफ का बैलेंस पड़ा हुआ है उसे कितना परसेंट विड्रॉ कर पाएंगे। तो दोस्तों यहां पे ईपीएफओ का नियम और शर्तें के अनुसार दोस्तों आप अधिकतम यहां पे अपने पीएफ बैलेंस जो आपका पड़ा है उसमें 75% आप निकाल पाएंगे, ठीक है। पीएफ बैलेंस पे आप 75% अधिकतम निकाल पाएंगे, लास्ट स्टेज है 75%, उससे कम काफी ज्यादा मिल जाएगा लेकिन अधिकतम आप 75% आप निकाल पाएंगे। लेकिन वहां पे काफी सारा पारा होता है तो हर पारा के अनुसार आपको अलग अलग परसेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको पारा अच्छी तरह से आपको सेलेक्ट करना होगा, ध्यान से आपको सेलेक्ट करना होगा, तभी वहां पे आप 75% आप अधिकतम निकाल पाएंगे, जो भी आपका यहाँ पे अमाउंट पड़ा होगा उसका अधिकतम से अधिकतम आप 75% आप निकाल पाएंगे, जैसे इनलेस में ज्यादा मिलता है और नेचुरल क्लेम भी आपको ज्यादा मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप दूसरा पारा अगर आप सेलेक्ट करते हैं उसमें काफी ज्यादा कम मिल जाएगा लेकिन आपको इनलेस या तो फिर नेचुरल क्लेम आपको ज्यादा मिल जाता है, ठीक है। तो 25% तक आप अधिकतम ले पाएंगे अपने पीएफ अकाउंट में जो बैलेंस पड़ा हुआ था, ठीक है। पेंशन का आप हकदार नहीं होंगे क्योंकि दोस्तों आप अभी कंपनी नहीं छोड़े हैं, और पेंशन तभी मिलता है दोस्तों जब किसी भी कंपनी में आप 6 महीने से ज्यादा काम करते हैं, ठीक है। 6 महीने से लेकर के 9 साल 6 महीने तक आप काम करते हैं तो पेंशन विड्रो कर सकते हैं कंपनी छोड़ देने के बाद, ठीक है। 6 महीने से काम किए तो पेंशन का हकदार नहीं होंगे। अगर 9 साल 6 महीने से ज्यादा काम किए तो आपको 58 साल तक का इंतजार करना होगा, जब आपका 58 साल हो जाएगा ओल्ड एज में आप चले जाएंगे तब दोस्तों आपको पेंशन के रूप में आपको हर मंथ आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा पेंशन कब मिलेगा, काम करते हुए आप कौन सा पैसा निकाल सकते हैं, सिंपल सा पीएफ का ही पैसा निकाल पाएंगे, फॉर्म नंबर 31 भर के अधिकतम कितना निकाल पाएंगे 75%, और कौन कौन का क्लेम जो सबसे ज्यादा मिलता है वो नेचुरल क्लेम है और उसमें आपको इनलेस में ज्यादा मिल जाएगा, ठीक है। उससे कम आप निकाल पाएंगे, दूसरा पारा सेलेक्ट कीजिएगा तो आपको कम मिल जाएगा, ठीक है। मैं आपको कंप्लीट जानकारी दे पाया हूँ, जानकारी आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो आपको लाइक कर देना है क्योंकि दोस्तों आपका लाइक हमें काफी ज्यादा मोटिवेट करता है। चैनल पर नए होंगे इसी प्रकार हेल्पफुल कंटेंट पाना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है, मन में थोड़ा भी कुछ कंफ्यूजन या डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दूंगा, जो भी सोल्यूशन होगा मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है दोस्तों।